नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे ककड़ी की खेती के बारे में। उत्तर भारत में ककड़ी की बुआई सामान्यतः फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च से अप्रैल महीने के बीच में की जाती है, जबकि मध्य भारत में ककड़ी की बुआई फरवरी से जून तक तथा दक्षिण भारत में जनवरी से मार्च तक होती है। ककड़ी को मिट्टी की विभिन्न किस्मों में उगाया जा सकता है, जैसे कि रेतीली दोमट व भारी मिट्टी जो अच्छे जल निकास वाली हो। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.8 से लेकर 7.5 के बीच में होना आवश्यक है। किसान मित्रों, ककड़ी की बिजाई करते समय दो मेढ़ों के बीच में 60 से 90 सेंटीमीटर का फासला बरकरार रखें। बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। अगर आप दो बीजों को एक जगह पर बोएंगे तो फसल का अच्छा विकास होगा और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि ककड़ी के बीजों को बेड या मेड़ पर सीधे बोया जाता है। अब अगर बात करें ककड़ी के कुछ बेहतर किस्मों की, तो ये हैं पंजाब लॉन्ग मेलन 1, कर्नल सिलेक्शन और अर्का शीतल इत्यादि। किसान मित्रों, ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरो से 2 से 3 बार खेत की जुताई करना आवश्यक होता है। किसान मित्रों, मिट्टी से होने वाली बीमारियों से ककड़ी को बचाने के लिए बैनलेट या बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों को जरूर उपचारित करें। एक और बात ध्यान रखें कि बिजाई के तुरंत बाद खेत की सिंचाई करना आवश्यक होता है। ककड़ी के पौधों को गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार की जा सकती है, लेकिन कटाई की शुरुआत तब करें जब फल नर्म हो और पूरी तरह से विकसित हो जाए। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था ककड़ी की खेती पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।